जय हिंद। स्वागत है आप सभी का लक्ष्य के यूट्यूब चैनल पर। और आप सभी को पता है कि आज हम पॉलिटी को डिस्कस करने जा रहे हैं, जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल पर पढ़ ही लिया होगा। तो यहाँ पर हम पॉलिटी को डिस्कस करेंगे और हमारे इस पॉलिटी को डिस्कस करने का जो उद्देश्य है वो केवल इतना रहेगा कि आप लोग कैसे कितनी आसानी से और सरल तरीके से संविधान के विभिन्न पहलुओं को समझ सकते हैं, जो हमारे अलग अलग परीक्षाओं में जो प्रश्न बनते हैं उसको आप आसानी से कर सकें। तो आसानी से समझने का प्रयास करेंगे, कोई हैवीएस्ट शब्दों को नहीं लेंगे और ना ही किसी तरीके के ऐसे चीज़ों को बढ़ावा देने की कोशिश करेंगे जो हमारे ऊपर चीज़ों को समझने के बजाय बर्डन बनाने की कोशिश करें। तो हम लोग वैसा नहीं करेंगे, हम केवल और केवल चीज़ों को बड़ी आसानी से समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और जिन लोगों ने अपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। तो यहाँ पर पॉलिटी की ये पहली क्लास है, आप लोग जानते हैं। इसके बाद रेगुलर क्लासेस आएंगी पॉलिटी के बाद एनवायरनमेंट की, और इसके साथ साथ ऐसी रेगुलर क्लासेस अब आप लोगों की शुरू हो जाएंगी। जैसा कि हम सभी जान रहे हैं कि देश भर में इस समय कोरोना काल चल रहा है, तो आप लोगों के बीच जो हमारा एक माध्यम रहेगा, एक संपर्क रहेगा, वो ये वीडियो क्लासेस ही रहेंगी। तो जो भी डाउट हो, जो भी आप लोगों के माइंड में चीज़ें बन रही हो, या कोई क्वेश्चन आप लोगों के माइंड में इरेज हो रहा हो, या आपने कोई अभी हाल ही में कोई परीक्षा दी हो उसको लेकर कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं, शुरू करते हैं। तो जैसे पॉलिटी लिखा हुआ है, तो अभी यहाँ पर जो पॉलिटी लिखा हुआ है, तो पॉलिटी का अर्थ क्या होता है, पॉलिटी का जो एक मीनिंग होता है वो दो रूपों में हम लेते हैं, दो शब्द लेते हैं, एक राज्य और एक व्यवस्था। तो हो जाता है राज्य व्यवस्था, यानी कि इंग्लिश में इसे हम स्टेट बोलते हैं और इसे सिस्टम। ठीक है, तो राज्य व्यवस्था ये शब्द हमने कई बार सुने हैं और समझे भी हैं, कि किताबों को भी आप देखेंगे तो किताबों पर अक्सर जो है राज्य व्यवस्था आपको लिखा हुआ मिल जाता है। तो राज्य व्यवस्था, तो यहाँ पर राज्य का मतलब ये नहीं है कि जो भारत के हमारे अलग अलग राज्य हैं, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, हिमाचल प्रदेश, ऐसे राज्यों से मतलब नहीं है। यहाँ पर संविधान में अगर कहीं पर राज्य शब्द का जिक्र किया जा रहा है तो उसका अर्थ संविधान में देश की सरकार से है, देश से है। ठीक है, एक पूरे देश से है राज्य का अर्थ, यहां पर इस तरह से हम लेते हैं। इसके अलावा आगे जैसे जैसे हम बढ़ते जाएंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि राज्य की परिभाषा जो है हमारे संविधान में किस किस अनुच्छेद में दी गई है, लेकिन फिलहाल यहां पर जब हम राज्य की बात करते हैं तो राज्य जो बनता है उसके बनने के लिए कुछ प्रमुख तत्व होने चाहिए। जैसे जिस राज्य में यह तत्व है, जैसे एक राज्य का क्षेत्र है, राज्य का एक अपना एरिया होना चाहिए, एक क्षेत्र होना चाहिए, वो होना चाहिए राज्य के पास। तो एक चीज, एक बात यह हो जाती है कि क्षेत्र होना चाहिए, एक होनी चाहिए संप्रभुता, संप्रभुता, तो जो संप्रभुता है वह होनी चाहिए। तीसरी चीज होनी चाहिए उसके पास जनसंख्या होनी चाहिए, एक कि लोग वहाँ पर एक जनसंख्या में निवास कर रहे हैं, जनसंख्या होनी चाहिए। फोर्थ जो पॉइंट होनी चाहिए, होना चाहिए, वह है सरकार, कि उस राज्य को चलाने के लिए क्षेत्र, संप्रभुता और जनसंख्या को कंट्रोल करने के लिए या उसको सही सुचारू रूप से चलाने के लिए एक सरकार होनी चाहिए। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ये जो चार तत्व है, जहाँ जिस क्षेत्र के पास संप्रभुता है, जनसंख्या है और सरकार है, वह राज्य है। तो यहाँ पर क्षेत्र, संप्रभुता, जनसंख्या और सरकार होना जरूरी है, तो हम उसको क्या बोलेंगे, स्टेट बोलेंगे, राज्य बोलेंगे। तो क्षेत्र तो है ही है, जैसे भारत है तो भारत के पास हमारा एक पूरा एक लैंड मास एरिया है, क्षेत्र है, हमारे आइलैंड्स हैं, तो क्षेत्र है। संप्रभुता, संप्रभुता का अर्थ होता है कि कोई भी राज्य है ना, कोई भी राज्य अपने आंतरिक, स्टेप बाय स्टेप बहुत ही आराम से मैं समझाता हुआ चल रहा हूँ, आप लोग वीडियो को बड़े आराम से स्टेप बाय स्टेप समझिएगा, तभी आपकी आपका बेसिक क्लियर हो पाएगा। जब आपका बेसिक क्लियर होगा तभी आप एडवांस चीज़ों को अच्छे से समझ पाएंगे। तो राज्य अपने आंतरिक और बाह्य निर्णयों को लेने के लिए स्वतंत्र, लेने के लिए स्वतंत्र है, स्वतंत्र है।
तो यहाँ पर हम देखते हैं कि संप्रभु देश कौन होगा। संप्रभु देश वो होगा कि जो अपने आंतरिक और बाह्य निर्णयों को लेने के लिए स्वतंत्र है, वह अपने निर्णयों को लेने के लिए किसी दूसरे देश पर डिपेंड नहीं है या किसी दूसरी शक्ति पर निर्भर नहीं करता है। जैसे यदि भारत को किसी देश के साथ समझौता करना है तो वह किसी दूसरे देश से अनुमति लेकर समझौता नहीं करेगा, या फिर वह किसी दूसरे देश के साथ कॉन्फ्रेंस में जाता है, मीटिंग करता है, तो वह किसी दूसरे देश से पूछकर नहीं करेगा, या फिर वह अपने देश की आंतरिक सीमाओं में कोई परिवर्तन करता है तो किसी दूसरे देश से पूछकर नहीं करेगा। तो यहां पर आंतरिक जो मामले हैं और जो बाह्य मामले हैं उन पर निर्णय लेने का पूरा अधिकार हो तो वो स्टेट है, वो संप्रभुता उसके पास होनी चाहिए, वो सॉवरेंटी होनी चाहिए। और हम सभी जानते हैं जनसंख्या तो है ही है भारत के पास, विश्व में दूसरा स्थान है जनसंख्या को लेकर, तो इस पर हम कुछ कहेंगे ही नहीं। तो इसके बाद जो सरकार है, अब सरकार इसलिए है कि इस राज्य को सही से चला सके, एक सुचारू रूप से चला सके। हम लोग अपना एक प्रतिनिधि चुनते हैं और वो प्रतिनिधि जो हैं हमारे व्यवस्था को, राज्य की जो व्यवस्था है उसको ठीक से चला पाते हैं। इसके लिए सरकार के पास तीन अंग कार्य करते हैं, जिसे हम कहते हैं, एक को कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर सरकार के जो तीन अंग हैं ये सुचारू रूप से चीज़ों को चलाते हैं। कुछ नियमों के आधार पर सरकार जो है अपने इन तीन अंगों के माध्यम से देश को, राज्य को चलाने का प्रयास करती है, ठीक तरीके से, ठीक व्यवस्था को बनाकर। तो इस व्यवस्था को बनाने के लिए, इस राज्य व्यवस्था को बनाने के लिए सरकार के ये तीन अंग मुख्य रूप से काम करते हैं, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। विधायिका से मतलब यहाँ पर हो सकता है कि जो हमारी संसद है केंद्र में, ठीक है, संसद। इसी प्रकार जो राज्य हैं, स्टेट्स हैं हमारे, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड वगैरह, तो वहाँ पर जो है क्या होगा, विधानमंडल होगा। क्या होगा? विधानमंडल होगा। विधानमंडल मैंने यहाँ पे लिख लिया, तो आप लोग समझ सकते हैं कि हमारे यहाँ कुछ राज्यों में द्विसदनीय व्यवस्था है। द्विसदनीय व्यवस्था मतलब विधानसभा भी है और विधान परिषद भी है। तो इस चीज़ को देखते हुए हम क्या देखते हैं कि विधानमंडल और संसद, संसद कहाँ, केंद्र में, और विधानमंडल जहाँ पर कुछ नियम कानून बनाए जाते हैं। अब वो नियम कानून का आधार क्या होगा, इन सब के कार्य करने का आधार क्या होगा, या सरकार में इन अंगों के साथ काम करेगी, ये बात कहाँ बताई गई है, उस पर हम लोग अभी बात करेंगे। तो यहाँ पर कार्यपालिका, एग्जीक्यूटिव जो हमारे अधिकारी होते हैं, IAS, IPS या ऑल इंडिया जो सर्विसेज है हमारी, उस ऑल इंडिया सर्विसेज के माध्यम से जो भी प्लान यहाँ पर बनते हैं या जो भी नियम बनाए जाते हैं उनको एग्जीक्यूट करना जो है कार्यपालिका का काम होता है, कि ज़मीनी स्तर पर उसको उतारा जाए। इसी तरीके से जो न्यायपालिका होती है, न्यायपालिका ये देखती है कि जो संविधान है, जो नियमों की किताब है, जिसने कुछ नियम बनाए हुए हैं कि आपको इस तरीके से काम करना है, तो ये सब किसके आधार पर काम करेंगे, ये सब काम करेंगे संविधान के आधार पर। यानी कि जो सरकार अब ये जो काम कर रही है, ये काम किसके आधार पर करती है, संविधान के आधार पर। जो संविधान में कुछ जो नियम लिखे गए हैं, इसे हम क्या बोलेंगे, बुक ऑफ लॉ। एक शब्द में आराम से हम एक लाइन में अगर बोल दें तो बुक ऑफ लॉ। यानी कि संविधान जो है हमारा, उसने कुछ कार्यों को करने के लिए या देश को चलाने के लिए कुछ नियम कानून बताए हैं। तो ये सब जो काम करेंगे वो किस आधार पर करेंगे, बुक ऑफ लॉ, यानी कि हमारा जो भारतीय संविधान है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, उसके आधार पर काम करेंगे। तो न्यायपालिका का काम यही है कि जो व्यवस्थाएं चल रही हैं या जो नए कानून बन रहे हैं या देश में न्याय व्यवस्था कैसे स्थापित हो, वो संविधान के अकॉर्डिंग स्थापित हो, समानता, इक्विलिटी कैसे स्थापित हो, संविधान के अकॉर्डिंग स्थापित हो, और ये स्थापित करने की जिम्मेदारी जो होती है विधायिका और कार्यपालिका की होती है। और न्यायपालिका का काम होता है कि जो चीज़ें बताई गई हैं संविधान में उसके अकॉर्डिंग क्या ये सब काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। किसी तरीके का कोई ऐसा कानून तो नहीं बनाया गया है जो लोगों की स्वतंत्रता का हनन करता हो, तो ये बात हमारे संविधान में बताई गई है। तो हमें ओवरऑल इस पूरी राज्य व्यवस्था को समझने के लिए हमें संविधान को समझना जरूरी होगा। और अगर हमें संविधान को समझना है, किसको, संविधान को समझना है, तो दोस्तों एक बात याद रखिएगा, हमें संविधान तब तक समझ में नहीं आ सकता अच्छे से जब तक कि हम इसके परिचय पत्र को ना समझ लें। परिचय पत्र मतलब जो संविधान की प्रस्तावना है, प्रस्तावना, यानी कि इसे हम उद्देशिका भी कहते हैं। क्या कहते हैं? उद्देशिका भी कहते हैं। तो जो संविधान की उद्देशिका है या प्रस्तावना है, जब तक हम इसको नहीं समझ लेते, इसको परिचय पत्र, मैंने बोला शुरू में ही अभी, परिचय पत्र इसको कहा जाता है, प्रस्तावना और उद्देशिका को,
तो ये परिचय पत्र ही इसलिए कहा जाता है क्योंकि जब तक आप किसी के विषय में थोड़ा जान नहीं लेंगे, उसका अंदर क्या क्या बातें बताई गई हैं उसके बाद उसको जब तक समझ नहीं लेंगे, तब तक आप ये नहीं बता सकते कि उसके अंदर एग्जैक्टली उसको लाया क्यों गया है, उसको बनाया क्यों किया गया, उसका उद्देश्य क्या है उस किताब का। तो हमारे संविधान का उद्देश्य क्या है, देश की हमारी प्रकृति क्या है, या संविधान की शक्तियों का स्रोत क्या है, या उसको लागू करने की जो एक तिथि है वो कब की है, वो सारी चीज़ें हमें प्रस्तावना बताती है, एक तरीके से संविधान का परिचय देती है कि जो राज्य व्यवस्था है, जो सरकार है, जो सरकार बनाई जा रही है, उसका उद्देश्य क्या होगा और किस तरीके से वो काम करेगी, ये सारी बातों को संविधान में बताया गया है। और संविधान में ये सारी चीज़ें निहित हैं, उसके बारे में परिचय कौन देता है, उसके बारे में परिचय देता है प्रस्तावना या उद्देशिका। तो दोस्तों संविधान को समझना है तो अब हम चलते हैं कि प्रस्तावना और उद्देशिका के कुछ विशिष्ट पहलुओं को समझेंगे, फिर उसके बाद प्रस्तावना और उद्देशिका से रिलेटेड एक क्वेश्चन आंसर का वीडियो हम लोग शूट देखे आपको दिखाएंगे देंगे और उसमें केवल और केवल प्रस्तावना से रिलेटेड जो क्वेश्चन आंसर है उस पर हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो इससे आपका एक चैप्टर तो होगा ही होगा, उसके साथ साथ आपकी प्रैक्टिस भी होगी और लक्ष्य का उद्देश्य ही यही है कि आपको आपके लक्ष्य तक पहुँचाया जा सके। तो यहाँ पर लक्ष्य का जो लक्ष्य है वो आपको आपके उद्देश्य तक या आपके लक्ष्य तक पहुँचाया जाए उसका उसी के लिए हम यहाँ पर काम कर रहे हैं। तो दोस्तों चलते हैं प्रस्तावना पर, उद्देशिका पर, इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, ज़्यादा ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि मेरा मनोबल बढ़े कि हाँ बहुत से लोग देख रहे हैं, ज़्यादा ज़्यादा देख रहे हैं। और आप लोग अगर इससे कुछ सीख पाए या यहाँ तक आपने जो भी सुना, जो मैंने आपको समझाया बहुत ही आसान और सरल शब्दों में समझाया है, और इसके बाद आपको लगता है कि आप इससे बहुत कुछ सीख पाएंगे या सीख पा रहे हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें और रिकमेंडेंस करें अपने दोस्तों को कि वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और डेली वीडियोस को देखें और डेली करंट अफेयर्स की वीडियोस को देखना ना भूलें। मैंने अभी आज एक वीडियो, जिस दिन मैं यहाँ शूट कर रहा हूँ, दिन मैंने एक वीडियो अपलोड की है कि NDA की जो UPSC का एग्ज़ाम हुआ है उसमें करंट अफेयर्स से हमारे जो उसमें 7 क्वेश्चन आए हैं जो कि बिल्कुल एग्जैक्टली वही क्वेश्चन हैं जो मैं डेली डिस्कस करंट अफेयर्स में करता आया हूँ। तो चलते हैं अपने प्रस्तावना पर या उद्देशिका पर। तो जब हम बात करते हैं प्रस्तावना की, किसकी प्रस्तावना की या उद्देशिका की, देखिए दोस्तों अक्सर आप लोगों ने किताबों में देखा होगा या आप जब भी कोई नई किताब खरीदते हैं तो उसमें देखा होगा कि किस तरह से जब आप किताब का पहला पेज पलटते हैं तो उसमें लिखा होता है प्रस्तावना, और उसमें उस किताब के विषय में होता है, उसके लेखक के विषय में होता है, वो लेखक के माइंड में क्या चीज़ें चल रही हैं उसके बारे में उसमें बताया गया होता है कि इसमें प्रस्तावना में। तो ठीक उसी तरीके से संविधान की जो प्रस्तावना है, जो उद्देशिका है, इसमें ये इसमें इसको पढ़ने से या इसको समझने से हमको ये पता चलता है कि भारत का जो संविधान है वो एग्जैक्टली किस मानसिकता से बनाया गया, यानी कि जो हमारी संविधान सभा थी उस संविधान सभा में किस मानसिकता के लोग थे और उनके दिमाग में क्या चल रहा था। यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट ने प्रस्तावना को संविधान के जो संविधान निर्माता थे, संविधान सभा के जो लोग थे, उनके मस्तिष्क को अगर जानना है तो हमें प्रस्तावना को समझना होगा, ऐसा उच्चतम न्यायालय ने कहा है। तो जो प्रस्तावना है, जो उद्देशिका है, ठीक है, ये मुख्य रूप से हम जानते हैं, सबसे पहले इसको हमने क्या कहा, इसको हमने कहा परिचय पत्र। किसका परिचय पत्र? संविधान का परिचय पत्र। तो किसका परिचय पत्र है? ये संविधान का परिचय पत्र है। इस चीज़ को मैं आप लोगों को अभी शुरू में ही बता चुका हूँ कि संविधान का परिचय पत्र हमने किसे बोला है? प्रस्तावना को। अगर विश्व में देखें तो विश्व में प्रस्तावना की अगर हम बात करें तो सबसे पहले ये आया किसके संविधान में? अमेरिका के संविधान में। अमेरिका केवल लिखना उचित नहीं होगा, यहाँ पर हम लिख सकते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका, ये ज़्यादा सही है क्योंकि यही उसका पूरा नाम है उस देश का, USA, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान में सर्वप्रथम प्रस्तावना को देखा गया, और हम सभी जानते हैं कि विश्व का प्रथम लिखित संविधान, प्रथम लिखित संविधान किस देश का संविधान है?
यूएसए का संविधान है। तो वहाँ के संविधान में प्रस्तावना सर्वप्रथम आई विश्व में, और वहाँ से विश्व के अधिकांश लोगों ने प्रस्तावना को अपने संविधान में लिया, तो वहीं से भारत ने भी ग्रहण किया। हालांकि जो प्रस्तावना है हमारे संविधान में, जब संविधान का निर्माण हो चुका था लगभग, तो उसके बाद में इसको जोड़ा गया, लेकिन एक तरीके से इसको कहाँ से लिया हमने, संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया। इसके साथ ही अक्सर एक प्रश्न बनता है कि भाषा या जो उसके लेखन की शैली है या लिखने की जो एक प्रक्रिया है कि किस तरीके से लिखा जाए, वो हमने ग्रहण किया कहाँ से, ऑस्ट्रेलिया से। तो ऑस्ट्रेलिया का जो संविधान है वहाँ से हम इसके लेखन शैली को या उसकी भाषा को ग्रहण करते हैं। इसी तरीके से अगर एक और पॉइंट देखा जाए तो जो संविधान की उद्देशिका है हमारी, ये उद्देशिका जो आई वो कब आई, 13 दिसंबर किस पर आधारित है, तो 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में, कहां पर, संविधान सभा में कौन, पंडित जवाहरलाल नेहरू इन्होंने एक प्रस्ताव रखा जिसे हम बोलते हैं उद्देश्य प्रस्ताव। क्या बोलते हैं, उद्देश्य प्रस्ताव। तो उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित है क्या हमारी प्रस्तावना या उद्देशिका। उद्देश्य प्रस्ताव एग्जैक्टली था क्या, उद्देश्य प्रस्ताव ये था कि जो हमारी संविधान सभा बैठी है इसका उद्देश्य क्या है, हम क्यों बैठे हैं यहाँ पर, उस चीज़ का जिक्र जो है यहाँ पे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को किया था। तो जो 1946 को 13 दिसंबर 1946 को उन्होंने जो ये किया, तो उसमें क्या बताया कि जो हम ऐसा संविधान बनाएंगे कि जिसमें सभी के लिए एक समानता हो, स्वतंत्रता हो, भाई बंधुत्व का को बढ़ावा देने वाली चीज़ें हों, और इसी के साथ साथ सामाजिक आर्थिक न्याय की बात हो, हमारा देश की प्रकृति क्या होगी, उन चीज़ों पर बात यहाँ पर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपने उद्देश्य प्रस्ताव में कहा। तो उद्देश्य प्रस्ताव में जब उन्होंने इस बात को कहा तो उसके बाद से ही हम इसको इसी वजह से उद्देशिका भी कहते हैं। क्या कहते हैं, उद्देशिका भी कहते हैं। और इसी के आधार पर बाद में जो उद्देश्य प्रस्ताव था उसी को ही हमने आगे उद्देशिका के रूप में ग्रहण किया कि हमारा जो संविधान का उद्देश्य होगा वो क्या होगा या उसकी जो एक उद्देश्य है वो क्या होगा। तो अब यहाँ तक हम ये चीज़ देखते हैं कि जो संविधान का उद्देश्य है या उद्देशिका है वो कहाँ से आया है, ये आया है 13 दिसंबर 1946 में संविधान सभा में पंडित जवाहरलाल नेहरू के उद्देश्य प्रस्तुत किए गए उद्देश्य प्रस्ताव से। तो ये प्रस्तावना या उद्देशिका जो हमने लिए आधारित है वो किस पर आधारित है, उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित है। इसी के साथ ही एक और फैक्ट इम्पॉर्टेंट देख लेते हैं, इम्पॉर्टेंट फैक्ट जो है इसका वो क्या है कि अक्सर एक प्रश्न पूछा जाता है कि संविधान की उद्देशिका में जो संशोधन हुआ है वो कितनी बार हुआ है। तो इस पर हम लोग एक दृष्टि डाल लेते हैं। तो संविधान में अगर संशोधन की बात करें तो संविधान में जो संशोधन है वह एक बार हुआ है, केवल कितनी बार हुआ है, केवल एक बार हुआ है, ठीक है, केवल एक बार हुआ है। और वह कौन सा संविधान संशोधन था, 42वां संविधान संशोधन, 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976। तो 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा संविधान की उद्देशिका में केवल एक बार अभी तक वर्तमान में अभी तक देखा जाए तो केवल एक बार संशोधन हुआ है, और वो 42वां संविधान संशोधन था। इस संविधान संशोधन के द्वारा संविधान की उद्देशिका में तीन शब्दों को जोड़ा गया। कौन कौन से तीन शब्द थे वो, समाजवादी, कौन सा शब्द, समाजवादी शब्द। दूसरा शब्द जो जोड़ा गया, पंथ निरपेक्ष, क्या, पंथ निरपेक्ष, ठीक है। तीसरा शब्द जो जोड़ा गया वह जोड़ा गया अखंडता। तो यह प्रश्न अक्सर पूछा जाता है कि 42वें संविधान संशोधन के द्वारा निम्नलिखित में से कौन से तीन शब्द संविधान की उद्देशिका में या प्रस्तावना में जोड़े गए। तो आपको पता होना चाहिए समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। देखिए पंथ निरपेक्ष धर्म निरपेक्ष नहीं है, क्या है, पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ा गया था, धर्म निरपेक्ष नहीं। धर्म निरपेक्ष और पंथ निरपेक्ष में बड़ा ही माइल्यूट सा अंतर है, बहुत ही बारीक लाइन है इन दोनों के बीच में, उस पर मैं आगे डिस्कशन करूंगा। लेकिन फिलहाल यहाँ पर जो संविधान में संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें संशोधन केवल एक बार ही हुआ है, 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976, जिसके द्वारा तीन शब्द समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता को जोड़ा गया है।
अगर हम संविधान के संशोधन की बात करें या उद्देशिका में संशोधन की बात करें तो संशोधन को लेकर बड़े ही विवाद हुए हैं इस उद्देशिका के में संशोधन को लेकर, जो कि संविधान में संशोधन की प्रक्रिया है वो किस में बताया गया है, संविधान के अनुच्छेद 368 में बताया गया है। संविधान का अनुच्छेद है कौन सा, अनुच्छेद 368, जो 368 है उसमें बताया गया। तो दो विवाद रहे हैं इसको लेकर, संविधान किस के संशोधन की उद्देशिका में संशोधन को लेकर, संविधान के प्रस्तावना में संशोधन को लेकर दो विवाद रहे हैं। इन विवादों को अगर देखें तो एक विवाद जो है वो आपका है वेरुवाड़ी संघ मामला, वेरुवाड़ी संघ मामला कब हुआ ये 1960 में। देखिए इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा वो ये कहा कि प्रस्तावना में संशोधन नहीं होगा। सीधा सा सिंपल सी बात याद रखिए, क्या होगा, संशोधन नहीं होगा, तो संशोधन को मना किया गया। दूसरा जो मामला था उसे हम बोलते हैं, काफी फेमस मामला रहा है, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य मामला, और ये कब हुआ, 1973 में हुआ। तो 1973 में जो ये मामला था इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो प्रस्तावना है, उद्देशिका है या प्रस्तावना है, यह संविधान का अंग है। किसका अंग है, संविधान का अंग है और संशोधन किया जा सकता है। कौन से अनुच्छेद के द्वारा संशोधन किया जा सकता है, अनुच्छेद 368 के द्वारा इसमें संशोधन किया जा सकता है। लेकिन एक बात और हमें ध्यान में रखनी होगी कि जो केशवानंद भारती मामला है, केशवानंद भारती जो मामला है ये बहुत ही महत्वपूर्ण मामला इस वजह से भी बन जाता है क्योंकि इसी मामले में उच्चतम न्यायालय ने संविधान के मूल ढांचे के बारे में बताया है, संविधान के मूल ढांचे के बारे में बताया। और ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ये इस वजह से ही बता रहा हूँ क्योंकि अभी संडे में 18 अप्रैल 2021 का जो यूपीएससी एनडीए का एग्ज़ाम हुआ था तो उसमें यही पूछा गया था कि संविधान के मूल ढांचे के विषय में उच्चतम न्यायालय ने किस मामले में जिक्र किया या कंसेप्ट को बताया, संकल्पना को दिया। तो केशवानंद भारती मामला 1973 में इस कंसेप्ट को दिया, संविधान के मूल ढांचे के कंसेप्ट को दिया। और एक बात और बोला यहाँ पर उच्चतम न्यायालय ने कि संविधान के उद्देशिका में संशोधन किया जा सकता है लेकिन उसके मूल ढांचे को नुकसान पहुँचाए बगैर। तो यहाँ पर संविधान की जो उद्देशिका है उसके मूल ढांचे को नुकसान पहुँचाए बगैर संशोधन किया जा सकता है, तो यहाँ पर संशोधन किया गया। तो 1973 के बाद हम देखते हैं कि 1976 में 42वां संविधान संशोधन हुआ और जिसके द्वारा अभी मैंने आप लोगों को बताया, समाजवादी पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द को जोड़ा गया। तो हमारे सामने तीन शब्द जो हैं जोड़े जाते हैं किससे, संशोधन के द्वारा। तो संशोधन को लेकर दो मामले हैं, बेरुवाड़ी संघ मामला जो कि प्रस्तावना में संशोधन को लेकर है, केशवानंद भारती मामला। तो ये दो मामले आप लोग ध्यान रखिए, 1960 में हुआ जिसमें ये कहा गया कि संविधान की प्रस्तावना में संशोधन नहीं किया जा सकता है। दूसरा कि ये बोला गया केशवानंद भारती मामले में कि संविधान के एक तो मूल ढांचे के बारे में बताया गया और मूल ढांचे को बताने के साथ साथ ये भी बताया गया कि संविधान की उद्देशिका में संशोधन किया जा सकता है लेकिन उसके मूल ढांचे को नुकसान पहुंचाए वगैरह, यानी कि जो उसका एक बेसिक स्ट्रक्चर है उसको नुकसान हो, यानी कि आप पॉजिटिव संशोधन कर सकते हैं, कुछ अच्छी बातों को जोड़ सकते हैं लेकिन उसके किसी भी हिस्से को ख़त्म नहीं कर सकते या कम नहीं कर सकते उद्देशिका के। तो इस चीज़ को लेकर यहाँ पर कहा गया। तो केशवानंद भारती मामला अभी ये सुर्खियों में भी बना हुआ था, कारण ये था कि जो केशवानंद भारती हैं ये शंकराचार्य हैं, केरल में जो मठ है वहाँ के शंकराचार्य थे ये। अभी कुछ समय पूर्व ही यानी कि लगभग अक्टूबर नवंबर 2020 में इनकी मृत्यु हुई है, तो इस वजह से भी ये करंट अफेयर्स में था। और उस दौरान जो मेरी हमारी
लक्ष्य की डेली करंट अफेयर्स सीरीज आती है, तो उसमें भी मैंने इसको डिस्कस किया था। तो इसको लेकर ऐसे भी करंट अफेयर्स को जोड़कर भी प्रश्न बन सकता है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि प्रस्तावना में ये चीज़ें हमें देखने को मिली हैं। तो प्रस्तावना को लेकर एक वीडियो और आप लोगों को दूंगा। तो ये हमारी आज की पहली क्लास थी। अब इसके बाद प्रस्तावना या उद्देशिका को लेकर जो बात करनी बाकी रह गई है वो ये रह गई है कि जो इसके चार तत्व हैं, कि इसकी शक्तियों का स्रोत, इसकी प्रकृति क्या है, इसके उद्देश्य क्या है, और अंगीकृत करने की जो तारीख है, उस चीज़ों पर हम लोग डिस्कस करेंगे वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप। तो मैं आशा करता हूं कि यहां तक आपको सारे टर्म्स अच्छे से समझ में आए होंगे और उद्देशिका और राज व्यवस्था को समझने की जो एक हमने शुरुआत की है कि आसान और सरल शब्दों में आपको समझाया जा सके, वो उसमें मैं कामयाब रहा होऊंगा और आपको बहुत सारी चीज़ें इसमें समझ में आई होंगी। अगर कोई बात आपको समझ में ना आए, कोई फैक्ट आप लोगों को समझ में ना आए, तो कृपया कर कमेंट बॉक्स में जरूर डालिएगा, उसका अगली वीडियो में निदान किया जाएगा, उसको लेकर बात की जाएगी। और इसके बाद जो तीसरी वीडियो होगी, तीसरी वीडियो में हम उद्देशिका को लेकर प्रश्न उत्तर का सेशन करेंगे। क्लियर है? तो इसी के साथ मुझे आज्ञा दीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। आपने यहाँ से कुछ सीखा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें और रिकमेंडेंस करें हमारे चैनल को अपने दोस्तों में कि वो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस जरूर करें। और अज्ञात बने रहने के लिए, वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।